Robert Sapolsky, a very famous academic and researcher at Stanford University, once ran this very interesting studies with rhesus monkeys. And the reason why these studies are run with monkeys and rats is because their neurochemistry, their neurology is very similar to humans. So what Sapolsky did is he sat a monkey down, a trained monkey, usko pata hai kya karna hai, aur uske samne ek television rakh diya. Us television screen par ek signal aata hai. मंकी को पता है सिग्नल आया तो मेरे को लीवर 10 बार दबाना है और 10 बार लीवर दबाते ही मेरे को रिवॉर्ड मिलता है, मेरे मुंह में शुगर आ जाता है. सिग्नल वर्क रिवॉर्ड. एंड सपोज़ की एक्सपेक्टेड कि ठीक है भाई, उसके मुंह में चीनी आएगी, उसको खुशी लगेगी, मिठास लगेगी, तो ऑटोमेटिकली उसके ब्रेन एरियाज लाइट अप होने लगेंगे. दैट इज व्हेन हैप्पीनेस इज रिसीव्ड आफ्टर द रिवॉर्ड इज गिवन. However, when Sapolsky ran this research, he found something very interesting. He found कि अगर मैं एक मंकी को ऐसे बिठाता हूं इस ड्रिल में, तो ऑल द हैप्पीनेस रिवॉर्ड, ऑल द डोपामाइन दैट मेक्स यू हैप्पी, दैट मोटिवेट्स यू टू डू थिंग्स इज रिसीव्ड एज सून एज द सिग्नल्स इन देयर. एज सून एज द मंकी बिगिंस टू फील कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, मेरे को पता है मैं कहां हूं, मैं इस फील्ड का मास्टर हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जा सकता हूं, एज सून एज ही नोज दैट, ऑल हैप्पीनेस इज रिसीव्ड. वर्क कोई हैप्पीनेस नहीं, रिवॉर्ड थोड़ी बहुत हैप्पीनेस लास्ट में मिल गई, बट लार्जली मैक्सिमम खुशी इज रिसीव्ड एज सून एज द सिग्नल इज रिसीव्ड बाय द मंकी. यहां से सपोल्स्की को एक बात समझ में आई. वो बात ये थी कि अगर मास्टरी है इस फील्ड में, इस काम में, इस रूटीन में, तो काम करने के नाम से ही खुशी मिलने लगेगी. तो सपोल्स्की ने एक और मैनिपुलेशन, एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया. सपोल्स्की ने बोला इस बार क्या करते हैं भाई, 50% ऑफ द टाइम्स द मंकी रिसीव्स द रिवॉर्ड, 50% इट डज नॉट रिसीव द रिवॉर्ड. एंड सपोल्स्की थॉट व्हाट ऑल ऑफ अस थिंक कि अब यार रिवॉर्ड पक्का नहीं है तो इतनी खुशी नहीं होगी. बट व्हाट दे फाउंड वाज समथिंग सो इंटरेस्टिंग. दे फाउंड एज सून एज दे मेड द रिवॉर्ड टू बी 50%, हैप्पीनेस स्काईरॉकेटेड. And it skyrocketed particularly as soon as the work began. इससे सपोल्स्की को समझ में आया कि अगर आप मास्टरी प्लस मेबी काम में डाल दोगे, तो काम करने के नाम से खुशी मिलने लगेगी, काम करने में खुशी मिलने लगेगी, और रिवॉर्ड में तो थोड़ी बहुत ये चंदा में खुशी मिली जाती है. तो फिर सपोल्स्की ने बोला एक और मैनिपुलेशन करते हैं भाई, इस बार ना काम को लंबा कर देते हैं. द वर्क इज नॉट जस्ट प्रेसिंग द लीवर 10 times, maybe it is 50 times. और सोचा अब काम लंबा होगा तो भाई खत्म हो जाएगी खुशी, रस्ते में कितनी लंबी खुशी चलेगी, कितना लंबा काम है. But what they found was something so interesting. They found if you add mastery plus maybe plus meaning in the job, happiness levels go off the roof. As long as the work is sustained, as long as you are still doing the work, happiness keeps accumulating more and more and more. Aur fir reward ke baad to thodi bahut chande ki khushi mil hi jati hai. Ye to ho gayi kahani. अब इससे कुछ नेक्स्ट लेवल मुद्दे और सवाल निकल के आते हैं, तो आओ पहले उनको झांक के देख लेते हैं. नंबर वन, व्हाट यू थिंक ऑफ एज हैप्पीनेस इज द सेम थिंग एज मोटिवेशन टू डू समथिंग. मोटिवेशन एंड हैप्पीनेस आर नॉट वेरी डिफरेंट बायोलॉजिकली स्पीकिंग, एक्सेप्ट यू कंफ्यूज हैप्पीनेस विद प्लेजर एंड प्लेजर इज हॉलो. नंबर टू, नोटिस हाउ दिस स्टडी टॉक्स अबाउट व्हेन द मंकी ऑलरेडी नोज ही विल गेट द रिवॉर्ड. Once the monkey is familiar, he is happy in doing what he has mastered. Is this why we love familiarity? Because reward is promised and dopamine cycles are fixed. कि हम जंगल के इस कोने में इसलिए खुश हैं क्योंकि यहाँ पे खुशी का एक बेसिक रूटीन बन गया है. Is something as simple as this dopamine in the anticipation of mastered situations keeping us from our next adventure? Number three, motivation is the consequence of mastery plus goal-directed behavior. And not the other way around. People spend years on square one waiting to feel motivated. People go through hours of dhakka maar motivation content when in fact, deeply, they're just afraid to go on an adventure. Adventure ke learning phase mein, mastery ki talash mein, jo study mein mentioned nahi hai, usme dard hoga. Aur log us dard se nikalne wale sach se ghabrate hain. When in fact, what people probably need to do is jump in, take the pain, and wait for the first minimum mastery to arise. Number four, we think motivation hogi tab kaam karunga, to fir mastery aayegi. When the right approach is to think, how can I get the minimum amount of mastery to begin having fun? Ye minimum mastery is the hardest obstacle in doing anything in life. Look at your friend jo guitar bajane lagta hai. Char chord pakadte hi seedha main teri yaadon mein jeeta hu bajana shuru. Usko minimum mastery ke baad wala nasha ho gaya hai. Ab wo khud next level par pahunch jayega nashe ki mehnat se. Number five, we often think we want an easy life. But like we saw, 100% guarantee में वो same मजे नहीं है. Shopping में और life में फोड़ने में वो same मजे नहीं है. एक में action reward guaranteed है, दूसरे में maybe takes over. Fact is, we wish हमारी life easier हो, but the odds are, if हमारी life easier होती,
तो हमारा कार्डिनल सिन बोर्डम होता। व्हाट वी वांट इज द राइट चैलेंज। टू इजी एंड यू गो टुवर्ड्स 100% रिवॉर्ड, टू टफ एंड यू गो टुवर्ड्स 100% नो रिवॉर्ड।